हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जस्ट जयश्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल होममेड रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल की सिंपल रेसिपी, जिसमें ना आपको अलग से कढ़ाई में मसाला भुनने की जरूरत है और ना अलग से दाल बॉईल करने की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसकी तैयारी में हमें लगते हैं 10 से 15 मिनट और कुकिंग में भी लगते हैं सिर्फ 20 से 25 मिनट। आइए अब हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप तुअर दाल ले लिया है, एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटा टमाटर, थोड़ी सी धनिया की स्टेम्स और हरी मिर्च, और एक चम्मच घी, जीरा, थोड़ी सी हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब एक कुकर में एक टेबलस्पून घी डाल देते हैं और उसे गरम होने देते हैं। घी अब गरम हो चुका है, उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल देंगे। जीरा जैसे ही चटक जाए उसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज थोड़ा भुन गया है, अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग डाल देंगे इसमें टमाटर और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छे से गलने तक अब उसे ढककर अच्छे से पका लेते हैं। टमाटर अब गल गया है और हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम लोग इसमें हमारे भिगोए हुए दाल ऐड कर देंगे। और दाल ऐड करने के बाद अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं और इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। हमें दाल को ज्यादा नहीं पकाना है, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की स्टेम्स और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, इससे हमारे दाल में बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद आ जाता है। सब कुछ अच्छे से भुन गया है और दाल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 कप पानी लिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हम उसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे। हमारा ढाबा स्टाइल दाल बनकर तैयार है ना? कितना सिंपल, बस थोड़ा सा मसाला भुना और झटपट हमारा टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल बनकर तैयार हो जाता है। दाल पर डाल देंगे थोड़ा सा घी और धनिया से उसे गार्निश कर देंगे। मैंने दाल को यहाँ पे स्टीम राइस, पापड़ और थोड़े से सलाद के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये टेस्टी पापड़ बनाने का तरीका मेरे पोंगल वाले वीडियो के बोनस टिप में मिल जाएगा,
इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।